पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पीसीओडी। इस प्रॉब्लम से इंडिया की आधी जनता परेशान। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता है, जो बहुत परेशान होते हैं और जिनको कोई आइडिया नहीं होता कि आगे क्या करना है। क्या होता है आखिर ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज आसान भाषा में एक शरीर का हॉर्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसमें एक हॉर्मोन जिसको कहते हैं LH या ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन बढ़ जाता है और FSH या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन कम हो जाता है। इसकी वजह से और हॉर्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन बढ़ जाते हैं और प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है। अब क्यों होती है ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम होती है शरीर में एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट की वजह से। शरीर में फैट बढ़ता है, फैट से ओवरी पे LH बढ़ता है, LH से ईस्ट्रोजन बढ़ता है। अब ये सारा बढ़ने की वजह से महिला के शरीर पे क्या फर्क पड़ता है? उसके लिवर से HDL कम हो जाता है और LDL बढ़ जाता है। इसकी वजह से वेट गेन होता है, वेट गेन की वजह से बाकी समस्याएं हो जाती हैं। अब कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है या नहीं है? तो एक क्राइटेरिया जिसको कहते हैं रॉटरडैम क्राइटेरिया बनाया गया है बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कहता है कि अगर लेडी की साइकिल 35 दिन से ज्यादा है या फिर साल में 8 बार से कम आ रही है तो एक क्राइटेरिया होता है। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि उसकी पूरी की पूरी ओवरी का साइज अल्ट्रासाउंड में 20 cc से ज्यादा है या उसके जो फॉलिकल्स हैं वो पेरिफेरली अरेंज्ड है और 12 से ज्यादा है। इसको कहते हैं स्ट्रिंग पर्ल अपीयरेंस या फिर नेकलेस अपीयरेंस। जो थर्ड क्राइटेरिया है वो कहते हैं हाइपर एंड्रोजेनिज्म यानी कि ऐसे फीचर जो कि एक मेल में होते हैं। पीसीओडी में एक हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जिसका मात्रा ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हिर्सूटिज्म यानी कि शरीर पे अलग अलग जगह बाल आ जाना या फिर मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो जाना काफ़ी कॉमन है। तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो जो पेशेंट है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की पेशेंट है। अब पीसीओडी से आगे क्या हो सकता है? पीसीओडी से सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है कि इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनफर्टिलिटी इसलिए होती है क्योंकि जो एक डोमिनेंट फॉलिकल यानी कि जो महिला का अंडा है जो साइकिल के 14th डे पे फूट के निकलता है वो निकल ही नहीं रहा। वो इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि FSH की मात्रा कम है। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब एक्सेसिव वेट गेन, रिवर्सल ऑफ हिप टू वेस्ट रेशियो। नॉर्मली हिप का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो वेस्ट से कम होता है, बट ऐसे केसेस में जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बहुत सालों तक रहता है उसमें हिप का रेशियो और वेस्ट का रेशियो रिवर्सल हो जाता है। तीसरी प्रॉब्लम होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जब बॉडी में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा है, फैट की मात्रा ज़्यादा है, ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन और LH की मात्रा ज़्यादा है तो लिपिड की भी मात्रा ज़्यादा होती है। इससे जो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स हैं वो जाके आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाते हैं। इसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इससे फ्यूचर में डायबिटीज और हार्ट डिजीज भी हो सकता है। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है पीसीओडी का, एसेंशियली वो इंक्रीज्ड फैट और इंक्रीज्ड वेट गेन से होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमेशा अपने वेट को कंट्रोल में रखें। अब आते हैं अगर किसी को पीसीओडी है तो वो क्या करें? वो इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी है। इसमें अल्ट्रासाउंड भी आ जाता है और ब्लड की इन्वेस्टिगेशन आ जाती हैं। अल्ट्रासाउंड से ओवरी का साइज पता चल जाता है और फॉलिकल्स की शेप पता चल जाती है। और जो ब्लड के इन्वेस्टिगेशन है उसमें हार्मोन का पूरा एनालिसिस हो जाता है, जैसे कि LH, FSH, AMH और ईस्ट्रोजन, फाइन प्रोजेस्टेरॉन। जिन पेशेंट्स को हिर्सूटिज्म की प्रॉब्लम है यानी कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है, उन केसेस में जो हेयर ग्रोथ के बाकी रीजंस होते हैं जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम या कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लासिया या फिर एड्रीनल ग्लैंड का कैंसर, उन कॉजेस को रूल आउट करने के लिए भी कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। और अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको स्किन की डार्कनिंग की प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं एकैंथोसिस निग्रेकन्स, इसका मतलब होता है कि अंडर आर्म्स में, नेक में और ब्रेस्ट के पास वेल्वेटी स्किन हो जाती है, हार्ड वेल्वेटी स्किन, इसको कहते हैं एकैंथोसिस निग्रेकन्स। पीसीओडी का जो नंबर वन ट्रीटमेंट होता है वो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में तीन चीज़ें आती है, एक तो वेट कंट्रोल, दूसरा एक कैलोरी डेफिसिट डाइट और तीसरा एक्सरसाइज। कैलोरी डेफिसिट डाइट से मेरा मतलब है ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की मात्रा कम हो, प्रोटीन और फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा हो। तो जब भी कुछ भी खाएं तो उसमें यह ध्यान रखें कि फैट
और कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, प्रोटीन्स और फाइबर ज़्यादा हो। दूसरी चीज़ रेगुलर एक्सरसाइज। हम कहते हैं 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग इन द मॉर्निंग एंड 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग इन द इवनिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। और तीसरा होता है वेट लॉस। वेट लॉस का जो मेजरमेंट होता है दैट इज कि 10% बॉडी वेट अगर 6 महीने में कम कर लिया तो इट इज़ एडिक्वेट वेट लॉस। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो बॉडी में एडिपोज टिश्यू कम हो जाता है, हाइपर इंसुलिनीमिया कम हो जाता है और इसके वजह से LH और ईस्ट्रोजन भी कम हो जाता है और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। अगर इससे भी नहीं कंट्रोल होता है तो सेकेंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट आती है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो होता है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि COCs। ये जो COCs होते हैं इसमें दो हार्मोन होते हैं, एक होता है ईस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन से हार्मोन्स काफ़ी बैलेंस में आ जाते हैं। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट दी जाती है जिससे कि साइकिल्स रेगुलर हो जाती है। अगर इसमें भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो वेट लॉस की टैबलेट दी जाती है जैसे कि रिबेल्सस या ऑक्ट्रियोटाइड। अगर बहुत सीवियर PCOD है और बहुत क्रॉनिक PCOD है, बहुत सालों तक कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक सर्जरी भी करी जा सकती है जिसको कहते हैं ओवेरियन ड्रिलिंग। ओवेरियन ड्रिलिंग काफ़ी इफेक्टिव है और स्पेशली इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में बहुत यूजफुल है। अगर पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी है तो कुछ ट्रीटमेंट जैसे कि ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग दिए जाते हैं, इससे FSH की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है और जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है वो रिलीज हो जाता है। जो ये वाले ड्रग्स हैं वो होते हैं लेट्रोजोल और क्लोमिफीन। अगर 5 से 6 साइकिल लेट्रोजोल और क्लोमिफीन के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं आती है तो पेशेंट को IVF पे जाना चाहिए। ऑल इन ऑल PCOD एक लाइफस्टाइल डिजीज और एक मेटाबॉलिक डिजीज है और इसको सिर्फ वेट रिडक्शन से भी कंट्रोल करा जा सकता है। PCOD बहुत कॉमन है। PCOD इंडिया के 40-50% लेडीज में होता है बट 100% मैनेजेबल है। PCOD के क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, डायबिटीज और वेट गेन तक चले जाते हैं। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है पूरी ऑडियंस से कि PCOD को लाइटली ना लिया जाए और वेट रिडक्शन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर ध्यान दिया जाए। IVF से रिलेटेड, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, ऑब्स एंड गाइनी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस।